ब्लॉग में ताई जी, ये बुआ जी, पुआ जी नमस्कार, ये ताऊ जी हमारे। ओके गाइस, वेलकम टू उज्जैन। उज्जैन फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। और गाइस ये ब्लॉग कोई आम ब्लॉग नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है बड़ा स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं बहुत ही लंबे वाली ट्रिप। बोले तो एक दिन की नहीं, दो दिन की नहीं, तीन दिन की नहीं, पूरे चार या पांच दिन की हो सकती है ट्रिप भाई साहब, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कहाँ भरती? भरती बताइए, भरती की जा रहा हूँ बता दे। उज्जैन भाई साहब, सुना? उज्जैन, उज्जैन। तो गाइस मैं जा रहा हूँ उज्जैन महाकालेश्वर शिव जी के मंदिर में। भाई साहब पूरे वर्ल्ड में एक ही उज्जैन में मंदिर है महाकाल का, जो कि मैंने सुना है भाई साहब। वैसे तो गूगल पे मैंने चेक किया था कि एक ही मंदिर है, तो भाई साहब अपना प्लान बन चुका है वहाँ पे जाने का। और भाई साहब बहुत लोगों ने मेरे को मिस किया, व्लॉग को मिस किया है बहुत, मेरे पास कॉल आई, मैसेज आई कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा व्लॉग। तो भाई मैंने व्लॉग दोबारा स्टार्ट कर दिया है, तो बने रहना व्लॉग में। देखो इधर पर मैं अपना खाना वगैरह पैक करके अभी दिखाता हूँ क्या बन रहा है, तो निकलते हैं। तो बस व्लॉग में बने रहे पूरे पाँच दिन के लिए, बस इंजॉय करते रहना। हाँ जी गाइस, तो भाई अपने लिए बन रहे भाई चावल, मैं लेके जाऊँगा उज्जैन चावल वगैरह लेके जाऊँगा। वैसे तो भारतीय बोलती रोटी बना देते हैं, बाकी चावल खाने का भाई साहब अलग ही मजा है। तो चावल वगैरह बनाते हैं, फिर पैक करते हैं, फिर निकलते हैं। भारती कितना टाइम लगेगा इनको बनने में चावल को? क्योंकि गाइस अपनी ट्रेन है समालका से 4 बजे की, समालका से चले गए पहले दिल्ली, और दिल्ली से जाइए फिर भारतीय उज्जैन की ट्रेन पकड़ेगी। वहाँ से बुकिंग करवा रखी हमने सेकेंड ए सी में, आज फर्स्ट टाइम में सेकेंड ए सी में बैठूँ भाई साहब, ठीक है। ओके गाइस, तो चावल वगैरह पैक हो चुके हैं, मैंने लस्सी ले ली मेरा उधर के घर से, क्योंकि लस्सी के साथ खाने में मज़ा आ जाएगा ट्रेन में। तो चलो निकलते हैं, अभी मैं नहा धो लेता हूँ, मैं बस मेरे को तैयार होना है, 4 बजे की ट्रेन अपनी। ओके ओके गाइस, अभी चलते हैं भाई सोपे, कुछ खाने वाने का सामान लेके आते हैं, जैसे कि नमकीन कुरकुरे चिप्स वगैरह रस्ते में ट्रेन में आराम से खाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम ट्रेन में ना महंगे मिलते हैं, खराब मिलते हैं इस वजह से। ओके गाइस, आ चुका भाई दुकान के अंदर, तो उठा देते हैं यहाँ से। लो जी, कोई नहीं आता है, बंद कर दीजिए, ठीक है। और दोपहर में कोई आता नहीं, आराम कर ले, आराम तो सो जाओ। ओके गाइस, भाई सामान हो चुका अपना पैक, 3 पॉपकॉर्न, 1 नमकीन, 2 कुरकुरे, 1 चिप्स। ओके गाइस, सामान वगैरह सब कुछ ले लिया है, अभी मैं बस नहाने के बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ भाई साहब उज्जैन जाने के लिए, और ये अपना बैग है जो भाई रेडी हो चुका है। देखो मैंने बैग लिया भाई, सूटकेस पैक करते हो, पूरा भरा हुआ है ये, और हमें छोड़ के आएगा भाई एयरपोर्ट पे। हमारे जॉनी भाई आ चुके हैं हमें, ये भाई हेलो, बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट किया ना, तो बहुत दिनों बाद आ रहा है बड़ा अपने दोस्त। तो गाइस ये बैग भाई अपना देखो, मैंने पूरा भर दिया, जॉनी खोल के दिखाऊँ, इसने एक चीज़ दिखाऊँ, देख परचून की दुकान है पूरी, चिप्स कुरकुरे, ओए ना ऐसे नहीं, 5 रुपए की दुआ दूंगा पर इसने मत छेड़ा। चलो गाइस निकलते हैं भाई, ठीक है मम्मी मेरी जाओ मैं, ठीक है। अरे मम्मी पूरा कल्याण, चलो हाँ निकाले कल्याण नहीं, चल ब्रो। ओके गाइस, अब आना आपको रेलवे स्टेशन पे जाके मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ कौन कौन मैं किसके साथ जाऊँ। ओके गाइस, तो फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ उज्जैन। उज्जैन किसके साथ जा रहा हूँ, तो मिलवाता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तो भाई साहब बैठे साहब, हेलो, बहुत दिनों बाद भाई न्यू व्लॉग में, ताई जी, ये बुआ जी, पुआ जी नमस्कार, ये ताऊ जी हमारे। तो भाई साहब रेडी हो चुके हैं हम उज्जैन जाने के लिए, हमारे बैग वगैरह पड़े हैं, पड़े नहीं रखे हुए हैं। तो ताई एक्साइटेड हो जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। बुआ एक्साइटेड हो? ओके गाइस, हमारी ट्रेन है यहाँ से भाई, अभी का टाइम हो चुका है, टाइम कितना हो रहा है, ठीक टाइम कितना हुआ, 5:38 हो चुकी है। यहाँ से हमें जाना है हमें दिल्ली, और दिल्ली से हमें हमारी है ट्रेन है उज्जैन की सीधा। आज कौन सी ए रखी अपनी, कौन सी ए बस रेल है, मतलब मैंने बताई थी 3rd, बाकी 2nd ए है हमारी। तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं 2nd ए कैसी होती है, ठीक है, मैं तो आज तक गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम लाइफ में। ओके गाइस, ब्लॉग ना बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ ना, इसलिए ब्लॉग में थोड़ा बोलना नहीं जा रहा, बोलने का तरीका थोड़ा मेरा बिगड़ चुका है, तो भाई सब बने रहना ब्लॉग में ऐसे ही, ठीक है।
तो गाइस भाई साहब आपने बहुत दिनों में ब्लॉग में देखा, तो इसका पीछे का रहस्य क्या है? अब बोल दे क्या रहस्य है? क्या रहस्य है? मतलब भाई गए हो तो ऑस्ट्रेलिया से अब आया? रहस्य कुछ नहीं है भाई, क्योंकि बता के नहीं आया ऑस्ट्रेलिया में, उसका ब्लॉग बनाता तो बता के आता तो, क्योंकि मेरे को ले गए नहीं एयरपोर्ट पे भाई। मैं एकदम सरप्राइजली आया हूँ, सडनली एकदम प्लान बना वापस आने का, तो आ गया। अभी कुछ टाइम के लिए आया हूँ, देन वापस मैं चला जाऊँगा। आने का प्लान कुछ खास नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा कॉलेज के साथ मेरा इशू चल रहा था। देन मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैंने एकदम कॉलेज से मेरी बात हुई है, सब कुछ एकदम हुआ, सब डिसाइड, और मैंने रातों रात टिकट कराई। मेरे को ये था कि भाई इनको आके सरप्राइज दूंगा, बट वो सरप्राइज दिया भी और ना भी दिया दोनों ही बात बराबर सी होगी। तो भाई साहब अगले मंथ फिर वापस ऑस्ट्रेलिया चल जाएंगे, तो इसलिए हम ये मंथ ना पूरा घूम रहे हैं, ठीक है ना? हमारी रेल पता नहीं किस टाइम आएगी भाई, टाइम तो हो चुका है, ये तो वंदे भारत है। वाओ क्या बात है। ओके गाइस फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। भाई साहब दीपू भाई कैसे हो? दीपू भाई हमें छोड़ने आए थे। चलो गाइस, चलो भाई मिलते हैं आपको दो तीन दिन बाद। ओके आओ, ट्रेन आ चुकी है अपनी। ये रही गाइस, ये ट्रेन तो भाई फुल भरने वाली है। कहाँ से बैठोगे? यहाँ से आओ 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 जी। ओके चलो भाई साहब, चढ़ दो। चलो चलो चलो, लो भाई। चलो उतरने की तैयारी है। आओ आओ जी साहब जी। भाई स्टेशन आ चुका है अपना, न्यू दिल्ली। चलो तो चलो गाइस, चलो उठो उठो ब्रो, उठो उठो जल्दी। आओ आओ चलो बुआ चलो। चलो 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 चलो। ओके गाइस अपनी ट्रेन आ चुकी है भाई, नई दिल्ली से इंदौर। हमने लिया है इंदौर वाली ट्रेन। ओके गाइस लो भाई साहब, एसी वाली फीलिंग है इसमें, तो अमीर वाली सीट नंबर देख लो भाई, क्या है बड़ा 8, 10, 11, 12। चलो 8, 10, 11, 12 मेरा क्या हुआ ना। तो फाइनली भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं हम, सेकंड एसी में। तो दिखाता हूँ आपको सेकंड एसी कैसी है। मजे ठीक है भाई, तो फुल ठंड हो रखी है। अट साहब ठंड बताओ कैसी है? जाता हूँ बैठे भाई, देखो मौज में कहते एसी की क्या बात है। हाँ तो मजा से सेकंड एसी में, पता खाना वाना खाते हैं बहुत तगड़े वाली भूख लगी हुई है। गाइस अपना चुका भी खाना, ये लस्सी है, लस्सी खोलिए, लस्सी पीते हैं भाई, लस्सी खाने भाई। आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, रोटी और मजे, क्या बात है। बुआ खाना खा लिया? बुआ ने खाना खा लिया। चल बाहर घूम खाओगे थोड़ी देर। तो गाइस रेल का चलने का समय भाई 9:50 और अभी हो चुका है 9:25, इसलिए थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, फिर से हमारा 10 घंटे का सफर लगातार। कैमरा कैमरे क्या करेगा? कैमरे क्या मेरा कैमरा में तो बनाना पड़ेगा। अभी बनाए ब्लॉग बना, चल ब्लॉग बनाऊंगा निकाल, अरे फोन में बना ले अभी तो। चलो भाई ये भाई टेबल भाई का ब्लॉग बन रहा है, टूर 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 टूर। चलो जी चलो जी चलो जी। ओके गाइस तो भाई अपनी सीट वगैरह पे लेट चुके हैं और ट्रेन वगैरह चल चुकी है। भाई साहब ये देख ये रही अपनी सीट, इधर इधर भाई ताई की है, ताई ने तो बिछा दी, नीचे चादर भी छाली भाई, एक चादर ही थी मेरे पास भी फाट ली, और कंबल भी हमारे पास है, कंबल और तकिया है, तो मेरे को जरूरत नहीं है भाई लगाने के, नीचे बिछाने की, तो ऐसे सो जाएगा बस। ओके गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब मैं हो चुका हूँ पूरे 4-5 घंटे की नींद लेके, बढ़िया बढ़िया नींद बड़ी। चलो अंदर दिखाता हूँ, फोन उठ गया है। चले चले, हेलो बुआ, बुआ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठ गए हो? नींद कैसी आई? बढ़िया आई, अच्छी बढ़िया नींद आई कभी ना। नींद तो एक बात है, रेलवे नंबर ही चाहिए थी ना, पढ़ते तो सो गया था मैं भी। तो भाई अभी बुआ 4 घंटे रह रहे हैं पहुँचने उज्जैन के लिए, तो चाय पियाओगे जरूर? चाय बिस्कुट नमकीन कुरकुरे जो भी सब कुछ है मेरे पास। देख धरती देख कैसी है, काली काली धरती है, काली धरती ना, आग लगा रखी आग लगा रखी ना,
काली दर्ची हुआ अच्छा ये ब्रो गुड मॉर्निंग यहाँ भी पहले खा के बोलो और बुआ को भी बोलो गुड मॉर्निंग आओ नीचे जाओ लो भाई साहब डूट गए ठीक है बुआ ये वीडियो होगी टीवी पे हाँ थारे करके सब देखेंगे फेमस हो जाएगी तो पूरी भाई साहब बुआ तो चाय दुआओ बुआ घनी बार उड़ी चाय चाय बोल रही है चाय अगला स्टेशन आने दे बुआ बुआ जी अगला स्टेशन आने दे चाय पक्की ठीक है बिस्कुट भी खाओगी इसके अलावा सिंपल चाय चल कोई नहीं लो गाइस भाई चाय वाला चुके हैं बुआ के लिए चाय बुआ तो ठीक है चाय आएगी एक ही दे भाई बुआ तो ही एक ही हाँ ओके गाइस ब्रश टाइम भाई स्टार्ट हो चुका है मैं तो ब्रश ब्रश टाइम मैं तो उसे वहीं पे पहुँच के ही करूँगा ठीक है यहाँ पानी है ना बेकार सा मतलब कड़वा कड़वा सा ये देखो ये मालगाड़ी रुकी हुई है भाई ये स्टेशन पता नहीं कौन सा है नंदा ओके गाइस फाइनली अपना भाई स्टेशन आ चुका है उज्जैन का तो चलो करते हैं उतरने का टाइम आ चुका है पूरे 10 घंटे ही सफ़र कर लिया हमने तो चलो चलते हैं चले चलो ब्रो पहले व्लॉग तो स्टार्ट करो ओके और तो आप स्टार्ट नहीं करते हो मैं तो कर देता हूँ व्लॉग को चले ओके गाइस वेलकम टू उज्जैन उज्जैन फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं उज्जैन बोर्ड बोर्ड कितना है उज्जैन का लिख तो रहा नहीं बाकी उज्जैन हमें कितने लिख रहा उज्जैन तो पहुंच गया हम चलो ना मैं बताता हूँ कहाँ जाना है अभी बताते हैं होटल वगैरह लेते हैं रेस्ट वगैरह करते हैं रेस्ट तो सोते आए हुए हैं ओके गाइस हमारा प्लान बन चुका है भाई यहाँ से चलते सीधा धर्मशाला चलो भाई सभी जा रहे हैं धर्मशाला पे धर्मशाला में ठहरते हैं यहाँ पे जान पहचान अपनी गाइस भाई उज्जैन का जंक्शन देख लो ठीक है महादेव की नगरी है भाई साहब ये जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ फोटो वगैरह ले लेते हैं यहाँ से ठीक है ओके गाइस फाइनली भाई ऑटो मिल चुका हमें ये रहा इसमें चले गए ठीक है चलो जी बैग वगैरह रखते हैं भाई जी अपना बैग भाई ऊपर रख दिया है वो भाई सुमित का भी चलो बैठो आगे आगे देखो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं मम्मी धर्मशाला पे जी ऑटो वाले का नंबर ले लिया है यहाँ पे कहीं घूमना होगा ना तो इसको कॉन्टैक्ट कर देंगे ये आ जाएगा मैं या मैं घुमाएगा ठीक है ओके गाइस खाना वाना भाई खा लिया नहा धो लिया एकदम कति मंदिर में जाने के लिए अभी का प्लान ये है कि मेरा भाई कल तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं जरूर सी धर्मशाला में रुके होने इसमें रूम दिखाने के लिए नहीं थे इसलिए मैंने ब्लॉग में दिखाई नहीं तो अभी का हमारा प्लान ये बनाया सभी का कि यहाँ पे जो मंदिर है ना यहाँ पे 84 मंदिर है जो महाकाल के 84 रूप है हम 84 तो नहीं घूम पाएंगे बस जो मैं मंदिर है ना वो घूमेंगे यहाँ पे ठीक है तो चलो बनाते हैं प्लान न प्लान नहीं चलो घूमते हैं लोगे गाइस मैंने अब चश्मा भी लगा लिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रुकी है भाई अब गर्मी तो पता है आप लोगों को कितना रुकी है ऑटो वाले से पूछते हैं ये कितना पैसा देगा घुमाने के लिए क्या हुआ इसका ऑटो वो नहीं है क्या बिठाने लायक नहीं है पाँच जने अच्छा पाँच ऑटो एक ऑटो मेरे 5 जने नहीं बैठ सकते